नवी मुंबई के क्राइम ब्रांच की टीम ने इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का किया भंडाफोड़। 362 करोड़ की हीरोइन जब्त कर की बड़ी कार्रवाई। राज ठाकरे से मिले देवेंद्र फडणवीस, बन सकते हैं नए समीकरण। महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज। करोड़ों रुपए की ठगी में मुंबई के एक युवक को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित, 18 जुलाई से होना था शुरू। सीएम एकनाथ शिंदे का बुलेट ट्रेन को ग्रीन सिग्नल, फास्ट ट्रैक मोड में होगा प्रोजेक्ट पर काम। मुंबई से गुजरात जाने वाले नेशनल हाईवे को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते मुंबई गुजरात नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। शरद पवार ने केंद्र सरकार पर किया प्रहार, दी श्रीलंका संकट की मिसाल। कहा सत्ता चंद हाथों में सिमट जाती है तो नहीं टिक पाती है। शिंदे सरकार ने औरंगाबाद व उस्मानाबाद का नाम बदलने के प्रस्ताव पर लगाई रोक, शिवसेना ने साधा निशाना। 105 विधायकों वाला नेता एक एमएलए वाले के दरवाजे पर, सुप्रिया सुले का फडणवीस पर तंज। आज फडणवीस गए थे राज ठाकरे से मिलने। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण भयानक हुए हालात, आसमान से बरसती आफत ने अब तक लील ली 102 जिंदगियां। मुंबई पुलिस ने फर्जी आईपीएस अधिकारी को दबोचा, नौकरी दिलाने के नाम पर लड़कियों को बनाता था शिकार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को सभी तरह की मंजूरी दे दी है ताकि परियोजना में तेजी लाई जा सके। महाराष्ट्र में सरकार बदलने के मुश्किल से 15 भी नहीं हुए कि परियोजना को सभी तरह की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की पिछली सरकार ने परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे। कैबिनेट की बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने परियोजना को सभी तरह की मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि लंबित मुद्दे व संबंधी मंजूरी व भूमि अधिग्रहण समेत अन्य से संबंधित थे। दिल्ली में सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में शिंदे ने परियोजना से संबंधित लंबे वक्त से लंबित मुद्दों को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण महाड़ ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक प्लॉट पर बीपीसीएल के पेट्रोल पंप को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है ताकि भूमिगत टर्मिनस का निर्माण किया जा सके। क्या राज ठाकरे भी महाराष्ट्र सरकार में शामिल होंगे? क्या उनकी पार्टी को मंत्री पद मिलेगा? कुछ ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एमएनएस चीफ राज ठाकरे की मुलाकात के बाद से जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे के घर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच लगभग 1.5 घंटे बातचीत हुई। इस बातचीत में महाराष्ट्र की शिंदे कैबिनेट में मनसे को जगह देने पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक शिंदे कैबिनेट में मनसे को जगह दी जा सकती है। मनसे के किसी विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में नया समीकरण होगा। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा चल रही है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को मंत्री बनाया जा सकता है। अमित ठाकरे अगर मंत्री पद स्वीकार करते हैं तो उन्हें विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ेगा। बता दें कि राज ठाकरे इन खबरों को खारिज कर चुके हैं। राज ठाकरे ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये बातें कब बदल जाए कोई यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे की तारीफ कर चुके हैं। राज ठाकरे ने भी देवेंद्र फडणवीस को राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए शुभकामनाएं दी थी। ठाकरे ने शिंदे की तारीफ भी की थी।